नमस्कार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। वीडियो पर क्लिक करने के लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं एक कंपैरिजन वीडियो, मतलब इसका शीर्षक है हमारा कंपैरिजन रियलमी एक्स वर्सेस रेडमी के 20 जी। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं दोनों के दोनों मिड रेंज सेक्शन के डिवाइसेस की, तो देखिए रियलमी एक्स और उसी के साथ में जो रेडमी के 20 है, तो दोनों के दोनों डिवाइसेस लेटेस्ट लॉन्च है, लेटेस्ट स्नैपड्रैगन की सीरीज के लॉन्च है और उसी के साथ में आपकी हमारी और हालांकि ब्रांड के भी फेवरेट कैटेगरी है जो कि है मिड रेंज सेक्शन, मतलब कि ज्यादातर जिस रेंज में आपके डिवाइसेस या फिर स्मार्टफोन्स सेल होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसके डिजाइन की, तो देखिए रियलमी एक्स का अगर हम डिजाइन देखते हैं तो रियलमी के बाकी सारे जितने भी डिवाइसेस है 3U1 मतलब जितने भी है, तो उनके कंपेरिजन में ये वन ऑफ द बेस्ट डिजाइन है उनका Realme X का, या फिर हम कह सकते हैं उनकी X जनरेशन का। और अगर हम बात करते हैं Redmi K20 की, तो K20 का भी डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा है बाकी सारे MI और बाकी सारे जो ब्रांड के डिवाइसेस हैं उनके साथ कंपेयर करने में। लेकिन अगर हम बात करते हैं इनके मेन की स्पेसिफिकेशंस की, तो देखिए जो सबसे पहला स्पेसिफिकेशन हमारा निकल के आता है वो आता है हमारा डिस्प्ले का। तो डिस्प्ले में बेसिकली आपको Realme X में मिल जाता है 6.5 इंचेस का स्क्रीन और Redmi K20 में मिल जाता है आपको 6.39 इंचेस का स्क्रीन। तो दोनों के स्क्रीन हालांकि आपके दोनों के दोनों AMOLED पैनल है और दोनों में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। हालांकि डिफरेंस यह है कि जो आपका Realme X है उसके खाली फ्रंट पैनल पे आपको ग्लास पैनल है और जो आपका बैक है वो प्लास्टिक बॉडी है, लेकिन Redmi K20 में आपका बेसिकली दोनों साइड पे आपको ग्लास की बॉडी मिल जाती है और दोनों में सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के साइज का डिफरेंस है 6.5 और 6.3। ठीक है, तो कंपैरिजन के हिसाब से तो Realme X की स्क्रीन साइज काफी ज्यादा बेटर है और स्क्रीन की क्वालिटी सेम है। और जो हमारा अगला स्पेक निकल के आता है वो है हमारा देखिए हमारी जो सेकंड या फिर हम कह सकते हैं जो एक इम्पॉर्टेंट बात हमारी निकल के आती है वो आती है हमारी सॉफ्टवेयर की। तो देखिए सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में बेसिकली आपको दोनों में एंड्रॉइड 9.0 पाई लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन तो मिल ही जाता, लेकिन दोनों के दोनों आपको भी पता है कि कस्टमाइज्ड UI है, मतलब कि Realme X में कलर ऑपरेटिंग सिस्टम 6 है और आपका MI में MIUI 10 है। तो ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है कौन सी स्किन आप प्रेफर करोगे। हालांकि मेन बात यह है कि आप कोई भी स्किन पिक कर सकते हो, फिर उसके ऊपर कोई भी लॉन्चर यूज कर सकते हो अगर आपको ये या फिर उनका कस्टमाइज UI नहीं पसंद है। और अगर इन दोनों में मुझे पिक करना पड़ा देन आई विल गो फॉर MIUI 10। देखिए अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कैमरा की, तो देखिए कैमरा डिपार्टमेंट में मेन कैमरा में Realme X आपको देता है डुअल कैमरा का सेटअप और वहीं पे आपको K20 देता है ट्रिपल कैमरा का सेटअप। अब देखिए इसमें है आपका 48 मेगापिक्सल का मेन शूटर, फिर उसके साथ में एक सेकेंडरी शूटर और इसमें है आपका 48 प्लस 8 प्लस एक आपका 30 मेगापिक्सल का शूटर। और अगर फ्रंट कैमरा की भी हम बात करते हैं तो पॉपअप कैमरा का मैकेनिज्म तो दोनों में, लेकिन एक में आपको जो कि रियलमी एक्स है 16 मेगापिक्सल का पॉपअप कैमरा है और जो K20 है 20 मेगापिक्सल का पॉपअप कैमरा। तो कैमरा डिपार्टमेंट में तो सीधी सी बात है कि K20 का कैमरा ज्यादा बेटर और ज्यादा कैमरा उसमें, सो ओवरऑल विनर कैमरा डिपार्टमेंट में K20 है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रैम की, तो रैम में काफी सारे वेरिएंट है बेसिकली जो आपका रियलमी एक्स है, तो रियलमी एक्स में बेसिकली आपको तीन ऑप्शंस मिल जाते हैं 4GB रैम, 6GB रैम और उसी के साथ में 8GB रैम का वेरिएंट मिल जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसमें K20 की, तो K20 में बेसिकली दो ही वेरिएंट्स है 6GB रैम का और एक 8GB का। हालांकि दोनों में स्टोरेज भी आपको उसी के हिसाब से मिलेगी, लेकिन बेसिकली ये डिपेंड करता है रैम मैनेजमेंट पे, मतलब कि उसके सॉफ्टवेयर पे और थोड़ा सा उसके हार्डवेयर पे भी, फिर हम कह सकते हैं पूरी तरीके से हार्डवेयर पे। और इसी में अगर हम बात करते हैं हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की, तो रियलमी एक्स में है आपका स्नैपड्रैगन 710 मतलब कि 710 का चिपसेट और K20 में है आपका स्नैपड्रैगन 730 का चिपसेट, जो कि मेन डिफरेंस है दोनों के अंदर, क्योंकि एक क्वार्टर सेकंड का मतलब एक पुराना प्रोसेसर है आपका थोड़ा सा और एक आपका नया एकदम लेटेस्ट प्रोसेसर है जी। तो देखिए हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम एक चीज कह सकते हैं कि प्रोसेसर में मतलब कि जो इसमें हार्डवेयर मतलब जो हमारे प्रोसेसर या फिर चिपसेट लगे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग K20 एक बेटर ऑप्शन है रियलमी एक्स से कंपेयर करने में, क्योंकि लेटेस्ट प्रोसेसर मिलेगा तो ज्यादा देर तक आपका लास्ट करेगा और ज्यादा अपडेट्स और मतलब ओवरऑल लेटेस्ट प्रोसेसर लेटेस्ट डिवाइस के लिए सबसे बेस्ट है। फिर उसके बाद में लास्ट में अगर हम बात करते हैं बैटरी की, तो बैटरी डिपार्टमेंट में रियलमी एक्स में 3765 mAh की बैटरी और इसमें K20 में 4000 mAh की बैटरी, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि दोनों के दोनों आपके फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं,
लेकिन K20 में जो उसके साथ में पावर अडेप्टर या फिर ब्रिक आएगी वो सपोर्ट करेगी कि नहीं वो नहीं पता, हालांकि डिवाइस सपोर्ट करता है। लेकिन Realme X में जो चार्जर आएगा, मतलब कि जो उसके साथ में अडेप्टर आएगा, वो सपोर्ट करेगा और इसमें आपको VOOC चार्ज 3.0 का सपोर्ट मिल जाता है। तो उस हिसाब से बैटरी में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं MAH, मतलब कि कैपेसिटी में, तो Realme X ज़्यादा बेटर है। देखिए अगर हम बात करते हैं इसके मेन मुद्दे की, मतलब कि प्राइस की, तो देखिए प्राइस पॉइंट में K20 का प्राइसिंग है आपका 22,000 के अराउंड से स्टार्ट है। Realme X का आपका प्राइस है 18,000 से 20,000 के बीच में, मतलब 19,000 से 20,000 के बीच में, जो कि उसका सबसे बड़ा वेरियंट है वो 20,000 के अराउंड आता है, जो 8GB रैम वाला। तो प्राइस के मामले में तो कट टू कट एकदम कि Realme X ज़्यादा बेटर ऑप्शन है K20 में। लेकिन अगर स्पेसिफिकेशंस को कंपेयर करें तब भी K20 थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस है, मतलब ओवर प्राइस कह सकते हैं थोड़ा सा, कि अगर 20 या अगर 21 का भी होता तो ठीक है, लेकिन 22 से स्टार्ट है 6GB रैम या फिर 8GB रैम का वेरियंट काफ़ी महंगा। तो कह सकते हैं कि प्राइस के हिसाब से Realme X ज़्यादा बेटर ऑप्शन है K20 के हिसाब से, सिर्फ K20 के हिसाब से ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो बस हाँ, और लास्ट अगर एक चीज़ और ऐड होनी चाहिए तो वो ये कि दोनों के स्टोरेज में SD कार्ड का सपोर्ट नहीं है और हेडफोन जैक है दोनों में। बस इतना ही था। अच्छा, एक और डिवाइस है, मतलब कि एक और एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, मेरा पर्सनली सबसे ज़्यादा फेवरेट रेंज या फिर हम कह सकते हैं लाइनअप का, MI A3। MI A3 टेल देम प्लीज।